तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एस्थेटिक। आप लोग कैसे हो? आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया हो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे लेग के वर्कआउट के ऊपर होने वाली है। लेग का वर्कआउट हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले 10 मिनट ट्रेडमिल, उसके बाद 5 मिनट साइकिलिंग और देन वार्म अप। फिर उसके बाद हम सारी एक्सरसाइजेस वो आपको शो कर दी जाएंगी। इस बार हम सीरियस मारने वाले हैं लेग का वर्कआउट। सैटरडे है, एज अ लेग डे ही होता है ये सैटरडे, तो बस बने रहिए। थैंक यू गाइस। के रूप में एक गुड मॉर्निंग करके एक्सरसाइज होती है, उसको ट्राई कर रहे हैं। आप भी ट्राई करना। हमारा ये वर्कआउट लेग का वर्कआउट प्लान बहुत नया है, इसको ट्राई करो। तो ये ऐसा है, गुड मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज इसको ऊपर रखनी है यहाँ पे एंड देन डाउन। एक अब वेट लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अरे यार, हमें वैसे वार्म अप है, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। खाली है ये, मसल का कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा लेग का, एक्सरसाइज अच्छे से हो पाएंगी फिर अपन की। ट्राई करना है इसको लेग का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। 3 सेट हैं, 12 से 15 रैप। टफ है थोड़ी सी, बट हो जाएगी आदत डालोगे तो। तो हे गाइस, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है डंबल वॉकिंग लंजेस। इसके हम 3 सेट लेंगे, 8 से 10 रैप, और हैवी कर रहे हैं हमको डंबल सारे। पोजीशन आप ये देख लीजिए, इसको नीचे डाउन अप। ये एक माना जाए, ये एक नहीं माना जाएगा, दोनों पैरों से करोगे तब एक माना जाएगा। ये एक आपको 8 से 10 रेप लेने हैं और 4 सेट लेने हैं। बने रहिए आगे के। To the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I'm chasing. हे गाइस, सेकंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है बारबेल स्क्वैट। इसके हम 3 सेट लेंगे, ये भी हैवी जानी है, 8 से 10 रैप। रेपिटेशन बिल्कुल बहुत लाइट, एकदम लाइट, धीरे धीरे आने चाहिए और डाउन जाना चाहिए पूरा। और डाउन इन द सेंस कि ऐसे इसको अप करो, पैरों की पोजीशन को डाउन एकदम अप। 8 से 10 रैप, 3 सेट हैवी बिल्कुल। 2 3 चार, 5 6 7 8 9 10
ऐसे हमारी सेकंड सेट है 100 केजी मार्बल स्क्वाट है, इसके भी हमको 8 से 10 रैप निकालने हैं। फिर इसके बाद एक और सेट लेंगे जो कि हमारा जाएगा 120 रॉक्स, तो इसके भी हम 8 से 10 रैप। तो 8 से 10 इसकी भी पोजीशन डाउन एकदम नीचे जानी चाहिए जब भी स्क्वाट मानी जाएगी ये वाली। एक हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है सेटेड लेग कर्ल। हमारी जिम की मशीन है वो एक्चुअली ख़राब हो चुकी है, अभी सही होने गई है, तो हम इसका अल्टरनेटिव ट्राई कर रहे हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पस। इसको आप एक बेंच प्रेस वाली जो मशीन होती है उस पर आप लेट के पैरों के बीच में डंबल फंसा सकते हो। इसके भी हमको 3 से 4 सेट लेने हैं, 8 से 10 रेपिटेशन। तो नीचे एकदम डाउन, अब एक Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about, have your fucking clout. So hey guys, हमारी fourth exercise होने वाली है sumo squat. Sumo squat आप dumbbell से भी perform कर सकते हो, dumbbell से ऐसे डम्बल से ये वाले जो डम्बल यहाँ लेते हैं उससे भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बारबल से भी कर सकते हो। मैं बारबल से करूँगा क्योंकि मैंने बारबल से ट्राई नहीं किया है सर, वो मैं करूँगा। और डम्बल से मैंने ऑलमोस्ट सार बहुत बार कर ली है, तो उससे ऐसे करेंगे ये लिए यहाँ पे, यहाँ पे लिए, तो इसकी पैरों की पोजिशन बिल्कुल वास्ट सूमो टाइप एकदम। इसको ऐसे है, इसको क्या डाउन हमारा लेग का वर्कआउट फिनिश हो चुका है। अब हम काफ्स की एक्सरसाइज करेंगे, काफ्स के हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लेग प्रेस पे दोनों एंगलों से काफ्स की। तो ये गाइस जो हमारी लेग प्रेस होने वाली है वो दो एंगलों से होने वाली है, एक तो ये वाला एंगल एक ये यहाँ पे क्लोज ग्रिप करनी है अपन को, और एक करनी है अपन को इधर वाली ग्रिप पे, तो बिल्कुल थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी। ये एक है 10 से 12 रैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 सेट लेने हैं अपन को दो एंगलों से। थैंक यू। सो हे गाइस, हमारा सेकंड सेट सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है काफ्स की वाली स्मिथ मशीन पे, काफ प्रेस होने वाली है। इसके भी हम 10 से 12 रेप लेंगे, 3 सेट के लेंगे, और बिल्कुल आराम आराम से स्लोली एकदम।
गाइस थर्ड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है काफ्स की सीटेड काफ रेस, उसके भी हम 10 से 12 रैप लेंगे और 3 सेट हैवी वेट के साथ आराम स्लोली स्लोली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो हे गाइस, लेग का वर्कआउट फिनिश हो चुका है और थोड़ी बहुत लेग में पेन भी हो रहा है क्योंकि वर्कआउट बहुत तगड़ा था। और गाइस आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला प्लान आप अपने लेग डे वाले दिन करना बेस्ट है। हमने भी नया प्लान किया है, नया ट्राई कर रहे हैं कुछ भी, तो गाइस ये वाली एक्सरसाइज आ रही आप ट्राई करना, बहुत तगड़ी थी एक्सरसाइज और संडे का है, हमको रेस्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये बात अच्छी है कि सैटरडे को ट्रेन करके संडे का हमको रेस्ट मिल जाए। और गाइस अगली वीडियो में मैं आपको एक प्रोटीन का रिव्यू करूंगा, वो मेरा खुद का यूज़ किया हुआ प्रोटीन है और बजट फ्री। कहते हैं ना कि स्कूप भी सर्विंग साइज भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन भी एक सही मात्रा में मिलना चाहिए और अपन को सर्विंग बहुत सारी मिलनी चाहिए, तो वही बजट फ्री वाला प्रोटीन है वो, तो गाइस उसका भी रिव्यू करूँगा। तो बनी रही है चैनल पर और आइए वीडियो अगली वाली, उस पर देख लेना कौन सा प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। Just tell me.